मंच पर आसीन हमारे विधानसभा के संयोजक विवेक जोशी जी, कमल माखीजानी जी, हमारे महामंत्री विनोद शर्मा जी, मनोज मुटाटकर साहेब, सुरेंद्र शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, जवाहर प्रजापति जी, हमारे स्थानीय पार्षद रवि तोमर जी, सुगर सिंह पवैया जी, रेशु राजावत जी, गौरव वाजपेयी जी, सत्येंद्र तोमर जी, हमारे अध्यक्ष बूथ के भरत शाक्य जी, हमारे सचिव बूथ के गौरव कुलशेष्ठी, ओम प्रकाश धनोल जी, हमारे समस्त बूथ कमेटी की टीम, 14 लोगों की टीम बनी है, हमारे 27 पन्ना प्रमुख, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पहले तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा आप सब लोगों को झुककर मेरा प्रणाम। अभी दीपक जी कह रहे थे हमारे इस पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, उन दोनों की सोच विचारधारा एक ऐसे संगठन की बीज उन्होंने बोई जिस संगठन की का लक्ष्य राजनीति नहीं, लेकिन जिस संगठन का लक्ष्य राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवाद रग रग में हो, ऐसी एक संगठन की बीज दोनों हमारे पथ प्रदर्शकों ने बोई थी। हमारे मार्गदर्शक संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच और विचारधारा भारत की सांस्कृतिक विरासत भारत की सांस्कृतिक नींव भारत की विशाल वैभव जो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं लेकिन हमारी पहचान इस देश में नहीं लेकिन इस विश्व में, हमारी पहचान कोई 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 300 साल पुरानी नहीं लेकिन हजारों साल पुरानी। और वो क्या पहचान है भारत की? वो पहचान है मेरे भाई और बहनों, एकात्म मानववाद की पहचान। हमारी सोच और विचारधारा कि मानव जाति को जोड़कर विकास और प्रगति के मुख्य धारा में स्थापित करके जो लक्ष्य की पूर्ति के साथ उन्होंने इस संगठन की शुरुआत की थी, वो लक्ष्य था अंत्योदय। और अंत्योदय का अर्थ कि आखिरी गरीब
के उत्थान तक ये भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ होती थी लड़ते रहेगी और गढ़ते रहेगी जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और हमारे दूसरे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के कैबिनेट मंत्री थे, जब देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारत के मुकुट कश्मीर को विभाजित किया जा रहा है, जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपना रही है, तो उस कैबिनेट के पद को ठुकरा के बोरी बिस्तर बांध के चल पड़े वो कश्मीर के लिए कि जो कश्मीर भारत का है वो कश्मीर हमारी है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। और पीछे कई दशकों से हमारी पार्टी के महान योद्धाओं चाहे कुशाराव ठाकरे जी हों, मेरी आजी अम्मा राजमाता जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके दिन और रात इस संगठन और इस दल को खड़ा करके आम जन की सेवा में समर्पित करने के भाव के साथ अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। तो उस लोभ, उस रक्त, उस डीएनए के भाग हैं हम। और आज जो सपना पिरोया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, वो एक सोच, वो एक विचारधारा, वो एक सपना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारत माता विश्व पटल पर उजागर हो रही है। मेरे भाई और बहनों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई सोच भी नहीं सकता था कल्पना नहीं कर सकता था कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, धारा 370 को खारिज करके जो आपका और हमारा और हमारे संस्थापकों का बलिदान था, उस बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की विचारधारा के आधार पर, गृह मंत्री जी की संकल्पता के आधार पर आज जो पार्टी चंद लोगों के साथ स्थापित हुई थी, आज वो विश्व की सबसे बड़ी दल 20 करोड़ लोगों की पार्टी बन चुकी है। तो अब आपको और हमारा दायित्व जब बड़ा इमारत बनता है तो वो इमारत उतनी ही मजबूत होती है
जितनी मजबूत उस इमारत की नींव होती है। आप और हम इस 20 करोड़ संगठन, इस 20 करोड़ दल के सैनिकों के नींव हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई वशिष्ठ है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई अति वशिष्ठ है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान्य है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई गौरवान्वित व्यक्तित्व का धनी है, वो मेरा बूथ का कार्यकर्ता है, मेरा पन्ना का प्रमुख। आज ये संगठन खड़ी है, आज ये फौज, ये हिंद, ये भारत माता की फौज जो खड़ी है, और ये भारत माता की 20 करोड़ की फौज केवल भारत की फौज नहीं है, आज ये 20 करोड़ की फौज प्रधानमंत्री की नेतृत्व में विश्व की फौज बन चुकी है। अतिशयोक्ति में मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस फौज ने, हमारे एक एक सैनिक ने जो करोना काल में अपने जान को हथेली पर रखकर एक एक जन के लिए इस देश में और विश्व में बलिदान की भावना के साथ सेवा किया था, पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा मेरे भाई और बहनों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करके दिखाया। ये हमारा पहचान है, ये हमारी डीएनए है। प्रधानमंत्री ने जो आज अपने हाथ में, दाहिने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का झंडा, बाएं हाथ में भारत माता के झंडे को लेकर, दोनों झंडों को अपने हृदय में अंकित करके विश्व पटल पर भारत माता के नाम को रोशन किया है, वो आप और हमारे लिए कण कण में गर्व की बात है। और इसलिए अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। अभी दीपक जी कह रहे थे हमारी बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता। और बूथ जीतना, चुनाव जीतने का मतलब क्या है? बूथ जीतना और चुनाव जीतना, हां आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में बूथ जीतना, चुनाव जीतना मतलब उस मतपेटी में, उस डब्बे में जहां ठका ठक बटन दबाते हैं, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, ठका ठक कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल के साथ साथ एक एक मतदाता का दिल भी जीतना है। बोले भारत माता की जय। हमारी पार्टी की भावना केवल पार्टी की भावना नहीं, हमारी पार्टी की भावना वासुदेव कुटुंबक कि पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना के साथ आप और हम कार्य करते हैं। इसलिए कोरोना काल में भारत ने जो दो दो वैक्सीन
का उत्पादन किया, आविष्कार किया, वो दो दो वैक्सीन केवल भारत की जनता के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 150 देशों को वैक्सीन का हमने निर्यात किया। हमने जाने बचाई भारत के अंदर नहीं, केवल हमने जाने बचाई पूरे विश्व में। 210 करोड़ वैक्सीन देश के अंदर लगे। उनको लगे जिनको प्रधानमंत्री जी में विश्वास था, और उनको भी लगे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, इसमें मास्क का उपयोग किया गया है, और ये कहते कहते 15 दिन में वो भी वैक्सीन सेंटर पे लग गए ठका ठक ठका ठक वैक्सीन लगाने के लिए। तो कुछ भारत के जनता पार्टी का उनमें भी चला गया होगा। ये विश्व स्तरीय रूप आज भारत की जनता पार्टी ने लिया है। अभी मैं वापस आया हूं चीन के सरहद से, इलाके से। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज योजना, जिसके आधार पर सारे मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आप लोग अपने विभाग को केवल नहीं संभालोगे, आप लोग बॉर्डर के गांव में जाओगे। हमारी सरकार की योजनाएं वहां पहुंच रही है कि नहीं, वो तहकीकात कलेक्टर नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल नहीं करेगा, आप मंत्री के रूप में जाकर वहां तहकीकात करोगे। 90 गांव अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में, सिक्किम के सीमावर्ती इलाके में, हिमाचल के सीमावर्ती इलाके में, उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में, लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में। मैं उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में बिल्कुल बॉर्डर के पास छोटा सा गांव जिसका नाम है धराली, उत्तरकाशी जिले में 350 लोगों की आबादी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि उस 350 लोगों की आबादी के छोटे से गांव में चीन के बॉर्डर के पास प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच गया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 45 महिलाओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिल गया है। वृद्धावस्था पेंशन वहां दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी वहां बैठे हुए हैं। हर घर नल, जिस देश में टोटी नहीं होती थी, और अगर टोटी होती थी तो टोटी घुमाओ तो पानी नहीं निकलता था, हर घर नल की योजना 350 आबादी के गांव में 100 घरों में पहुंच चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, परिवर्तन, परिवर्तन इस देश में। पहले के प्रधानमंत्री लोग कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, अब 30 करोड़ जनधन के अकाउंट लग गए हैं। किसान सम्मान निधि, अगर 6,000 रुपया प्रधानमंत्री ने बटन दबाया तो 5,999 नहीं 6,000 रुपया किसान के खाते में पहुंच जाता।
9 साल में आ चुका है और वही परिवर्तन हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश बदनाम हो चुका था, बीमारू राज्य, आज वही मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पंजाब से आगे चल चुका है कृषि के उत्पादन में। कल ओलावृष्टि हुई, मैं क्षमा चाहता हूं, हमारा कार्यक्रम 1.5 घंटे पहले का था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर मेरे क्षेत्र में कठिनाई आई हो, अगर मेरे क्षेत्र में प्राकृतिक प्रकोप आया हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहां जाऊं। घाटी गांव ब्लॉक के 4 गांव का भ्रमण करके मैं आया हूं और आदेश देके आया हूं कि सर्वे जल्द से जल्द होना चाहिए और किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिवर्तन आया है मेरे भाई और बहनों, अब उस परिवर्तन की श्रृंखला को हमें आगे बढ़ानी हो। हमारे संगठन को गढ़ना होगा। आगे आने वाले 6 महीने आपके लिए और हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और आज आपके बूथ पर 835 हमारे परिवार के सदस्य हैं, मतदाता नहीं है ये, इनको मतदाता का शब्द से इस्तेमाल मत करना, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और एक एक परिवार के सदस्य को दिल का दिल जीतने का काम हमें करना है। हमारे 27 पन्ना प्रमुख, 835 हमारे बूथ के परिवार के सदस्य हैं, एक पन्ना प्रभारी की जिम्मेदारी है 30 की। 30 मतलब एक घर में अगर अनुमान लगा ले 5 सदस्य हैं तो केवल 6 घर। एक एक घर में जाना होगा, प्रशासन के अफसर के रूप में नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल धमाके के साथ नारे लगाते हुए नहीं, दरवाजा पे जोर से खटखटाते हुए नहीं। हम जब अपने परिवार के घर में जाते हैं कैसे जाते हैं? विनम्रता से जाते हैं। विनम्रता से जाना होगा, बैठना होगा घर के अंदर। ये नहीं कि हम 5-6 कागज के पर्ची लेकर जाएं। इनको कागज की पर्ची दे दी, इनको दे दी, इनको दे दी, साहब हमारा काम हो गया। नहीं, जाके घर के अंदर एक कप चाय पी, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, चाय पे चर्चा। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। विचारों का आदान प्रदान, कई बार हमारी आदत हो जाती है कि हम सुनाएंगे, अरे मनोज जी ये करना है, मनोज जी देखिए ये हुआ है, मनोज जी ये हुआ। हमें इनकी बात सुनना है। इनकी मन की बात सुनना है और फिर इनको समझाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, शिवराज सिंह जी की योजना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% केवल नहीं 200%
इनको किसी न किसी योजना में लाभार्थी के रूप में ये अवश्य होंगे। वो वार्तालाप करने में जब इनको समझ में आएगी कि ये योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, ये योजना शिवराज सिंह जी की है, और ये संभव हो पाया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तब इनका दिल जीतना है कि हमने आपकी सेवा की है और जिंदगी के आखिरी दम तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे आपकी सेवा करने के लिए। मेरे पन्ना प्रमुखों से मेरी विनती है, आपका परिवार 5 लोगों का होगा, 10 लोगों का होगा, कुछ लोगों का परिवार तो एक पोलिंग बूथ जैसा है, चाचा चाची मामा मामी भतीजा भतीजी 9 भाई 4 बहन उनका परिवार, पर उदाहरण के रूप में अगर हमारा परिवार पन्ना प्रमुख जी, सुरेंद्र सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी बोले सोनिया, अजय अरोरा जी, राजकुमार बंसल जी, खूबचंद जी गोयल जी, सुरेंद्र सिंह जी खड़े रहिएगा कृपा करके, अनमोल गोयल जी, संजय मल्होत्रा जी, दिनेश कुलशेष जी, गिरीश कुमार जी, अश्वनी कुमार जुनेजा जी, मैंने तो आपका पंजीकरण स्वयं किया, श्रीमती सिकरवार जी, सरिता सिकरवार जी, अमित जैन साहब, पवन कुमार गुप्ता जी, खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए, 2 मिनट कष्ट दे रहा हूं उदाहरण के तौर पे, हमारे 7 पन्ना प्रमुखियां हैं। अब आपके परिवार में अगर 5 लोग हों या 8 लोग, मेरी एक ही विनती है आपसे, इस अभियान को अगर सफल कराना है, प्रधानमंत्री जी के हाथों को हमें मजबूत करना है, प्रदेश में और देश में जन कल्याण की सरकार, सेवा भाव की सरकार स्थापित करनी है, करनी है तो फिर आज से आपका परिवार 5 लोगों का या 8 लोगों का नहीं होगा, आपका परिवार अब 35 लोगों का हो गया। तो 30 लोग आपके परिवार के सदस्य आज से हुए हैं, भरत शाक्य जी कहां है, गौरव कुलश्रेष्ठ जी, अब जो जिम्मेदारी आप देंगे हमारे सभी योद्धाओं को, पन्ना प्रमुख नहीं है ये योद्धा हैं, इन योद्धाओं को और परिवार के मुखियाओं को, आपका नाम परिवार का मुखिया है, जो परिवार की जिम्मेदारी इनको देंगे, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके कठिनाई के समय में, जिस तरीके से हम अपनी परिवार की सेवा करते हैं, अपनी परिवार को लाड़ और प्यार और दिशा दिखाते हैं, वैसे ही इन 30 परिजनों को भी वही भावना के साथ हमें अपने परिवार में शामिल करना है। बोलो मंजूर है, मंजूर है, तो हाथ उठाओ मेरे साथ, मुट्ठी बांधो और कहो कि हम संकल्प लेते हैं, हर दम से हम संकल्प लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा के आधार पर, के संकल्प के आधार पर, के सिद्धांतों के आधार पर, एक एक परिजन की सेवा इन 30 लोगों में से जिंदगी पर्यंत हम लोग करेंगे, अपने पार्टी को मजबूत करेंगे,
अपने 35 लोगों के परिवार को मजबूत करेंगे, अपने जिले को मजबूत करेंगे, अपने राज्य को मजबूत करेंगे।